दोस्तों इस भागती दौड़ती दिल्ली में आज किसी के पास समय नहीं है। ये शहर दिल्ली प्राचीन काल से आज तक कई घटनाओं और ऐतिहासिक चीजों का साक्षी बना है। इस शहर ने अपने अंदर बहुत से ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो शायद ही कभी कोई जान पाएगा। जो किला कभी फिरोज शाह तुगलक की आंखों का तारा हुआ करता था, आज वो दिल्ली में खंडहर पड़ा हुआ है। आज भी हजारों रहस्य को इस किले ने संचित करके रखा हुआ है। यहाँ हर कोई जाने से डरता है क्योंकि यहाँ सारे तर्क खत्म हो जाते हैं और फिर शुरू होती है ऐसी आस्था जिसमें लोग मानने लगे हैं कि दिल्ली के इस किले में जिन रहते हैं। कहते हैं कि इस टूटी फूटी इमारत के पीछे एक जमाने में बेहद क्रूर सजा दी जाती थी और ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जो लोग राजा से बगावत करते थे। और आज भी लोग मानते हैं कि वो लोग मरने के बाद भी आज जिन्न के रूप में वहां पर मौजूद हैं। रात को जो कोई इस किले में जाता है अगले सुबह उसकी लाश ही यहां मिलती है। रहस्यमय तरीके से यहां मिलने वाली लाश इतनी बुरी तरीके से पाई जाती है कि मानो रात में किसी ने बेहद निर्दयता से मौत के घाट उतारा है। इस किले के अंदर ऐसी बावड़ी मौजूद है जिसमें आज भी पानी भरा रहता है, लेकिन सरकार ने इस बावड़ी को बंद कर दिया है। लोगों का मानना है कि इस बावड़ी का पानी पीने वाला कोई जिंदा नहीं बच पाया है। इस बावड़ी का रहस्य सुलझाने के लिए इसके पानी को जब शोध करने के लिए भेजा गया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जिससे कि इंसान की मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था इस बावड़ी में जिसका पानी पीने से आदमी की मौत हो जाती है? किंवदंतियों के अनुसार इस खंडहर में हर रात एक ऐसी शक्ति आती है जिसे देखने वाला या तो अंधा हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। इस खंडहर के गार्ड और केयरटेकर यह बात मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ किसी तरीके की कोई शक्ति मौजूद है। वही लोग इस खंडहर में पैर रखने से भी कांपते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।